मिनी सचिवालय परिसर संग्रह में आयोजित हुआ उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम में पहली बार हुई गर्ल्स एनसीसी यूनिट की सलामी। एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। उपमंडल मुख्यालय संग्रह में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन मिनी सचिवालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी ने की और इस दौरान बीडीसी संग्रह के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा, पूर्व विधायक रूप सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर, मंडल उपाध्यक्ष विजेंद्र, नायब तहसीलदार कृष्ण लाल व कार्यवाहक बीडीओ हरमेश ठाकुर सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस गार्ड्स व छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रध्वज को सलामी के बाद आरकेबीएन व बीबीएन आदि स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान नाटियत व सिरमौरी लोक नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। संग्रह में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार गर्ल्स एनसीसी यूनिट परेड में शामिल हुई, क्योंकि गत वर्ष ही महाविद्यालय में छात्राओं की एनसीसी इकाई शुरू हुई है। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम डॉक्टर विक्रम नेगी ने अपने संबोधन में कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। देश की आजादी में शहीदों के योगदान पर प्रकाश डालने के बाद उन्होंने देश व प्रदेश में हुई तरक्की पर भी अपनी बात रखी। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। गणतंत्र दिवस पर संग्रह में शराब की दुकान अथवा ठेका 5:30 बजे तक बंद रहा और जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों बियर बार भी तय समय तक बंद रही। बुधवार को अधिकतर दुकानें बाजार में 6:30 बजे अथवा इसके कुछ समय बाद बंद हुई। वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए संगड़ा पुलिस ने किए 11 चालान। क्षेत्र की स्नो कवर्ड सड़कों पर ड्राइविंग ना करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी कर रही है पुलिस। वाहन अधिनियम की अवहेलना करने वाले चालकों पर नकेल करते हुए बुधवार को संगड़ा पुलिस द्वारा कुल 11 चालान किए गए। गौरतलब है कि शनिवार को क्षेत्र में फिर से भारी हिमपात का दौर शुरू होने के चलते संगड़ा चौपाल व संगड़ा गत्ताधार शिलाई आदि सड़कें बंद पड़ी है। हालांकि क्षेत्र की बर्फ से प्रभावित अन्य दो मुख्य सड़कों पर पीडब्ल्यूडी विभाग अथवा प्रशासन द्वारा यातायात बहाल किया जा चुका है। इलाके में इन दिनों काफी संख्या में हरियाणा व अन्य पड़ोसी राज्यों से सैलानी अथवा आम लोग बर्फ देखने पहुंच रहे हैं और कई पर्यटक अथवा चालक बर्फ से प्रभावित सड़कों पर ड्राइविंग का जोखिम भी ले रहे हैं, जिसके चलते वाहन हादसों का अंदेशा बढ़ गया है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह तथा ट्रैफिक इंचार्ज खुशहाल चंद के अनुसार चालान के साथ साथ पुलिस द्वारा चालकों को एमवी एक्ट तथा रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।